हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा बस अब बिल्कुल चुप शांत। बाबू दो टॉपिक बचते हैं हमारे पास, कोशिश क्या करेंगे, पूरी ट्राई आज खत्म करनी है, ठीक है ना। ऐसा भी होगा अगर कुछ लेट हो रहे होंगे तो 2 4 मिनट डीपो का वैसे लेट शुरू करेंगे, पर चैप्टर खत्म करेंगे, अब कल नहीं करेंगे इसको, ठीक है जी। बाबू अब जब भी हम आएंगे, वैसे कल शायद छुट्टी रखे हैं, देखते हैं, ठीक है ना। परसों सुनाओगे फिर आप, ठीक है जी। हाँ कल सुना दो, सुनाने के लिए खाली मैं कल पढ़ा नहीं सकता। चलो ठीक बोलते। ओ बेटा टॉपिक निकालो फटाफट से बेटा, जहां पर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर की बात की थी ना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं पुराने वाले ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, जहाँ 5 हेडिंग लिखी हुई है। प्राइमरी मार्केट मेथड ऑफ रोटेशन जहाँ खत्म करे थे ना, वहां पर आऊंगा फटाफट से। प्राइमरी मार्केट मेथड ऑफ रोटेशन जहाँ खत्म करे थे वहां पर आऊंगा बेटा। उसके नीचे ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है बाबू। आपको बता देता हूँ, अब प्लीज चुपचाप सामने देखो 1 मिनट, ये मुद्दा मेरे को इस मुद्दे से बाहर नहीं करने दो बेटा। किसी टाइम पर ना ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, ये 5 हेडिंग, ये मैटर होता था जब मेरे बोर्ड के एग्जाम होते थे, तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद बेटा मुद्दा ये हुआ, वो 10 पॉइंट ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर बनी जो मैंने आपको पढ़ा है। उसके बाद बेटा 2 साल बाद क्या हुआ, ये हेडिंग वापस आ गई, वो 10 पॉइंट इन हेडिंग्स में एडजस्ट कर लिए। मैंने आपको बताया था कहां पर क्या क्या पॉइंट लिखना है बेटा। पहली हेडिंग क्या है, क्या है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, इसमें सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ही लिखना था। सेकंड है ओपनिंग डीमैट अकाउंट, शायद इसमें सेकंड पॉइंट लिखना था। देन बेटा प्लेसिंग एन ऑर्डर, इसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट लिखना है। देन बेटा एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, सेवेंथ, सॉरी सिक्स्थ एंड सेवेंथ, और उसके बाद बेटा सेटलमेंट का 8th 9th और 10th पॉइंट लिखना है। ये नोट्स में आपने पहले भी लिखा होगा, कर लेना एडजस्ट। इसके नीचे बिल्कुल टॉपिक दिया हुआ है बेटा, स्टॉक एक्सचेंज डेफिनेशन दी हुई है। चलो जी बाबू नहीं तो देखना प्लीज आप बेटा, ये दो टॉपिक मेरे सामने बचते हैं, एक बेटा स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन और एक बेटा बिल्कुल लास्ट में टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है ना। दोनों की बात आज ही करनी है, अभी खत्म कर दो। नहीं है, पता नहीं कब डिफाइन किया था, लेकिन बेटा जो आज की तारीख में आपको स्टॉक एक्सचेंज, तो बेटा उन हालातों में डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, ठीक है ना बेटा। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पिछली बार भी बताया था बेटा, इस डेफिनेशन में आज की सिचुएशन के हिसाब से सोचो तो 3 कमियां हैं, ठीक है ना। बताएगा कोई नहीं, सब आपको यही डेफिनेशन रटवाते रहेंगे बेटा, पर वो मैं क्लियर कर दूंगा तीनों कमियां, ठीक है जी, आराम से बेटा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग सिक्योरिटी। बेटा नोट्स में हेडिंग यही लिखी गई है, पेपर में यही लिख कर आनी है, सब कुछ यही लिख कर आना है, पर बेटा इसमें कुछ गलतियां मैं आपको बता देता हूँ क्या है। बेटा इसने बोला स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं ये क्या चीज होती है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बेटा आप जब 11th क्लास में थे बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 2 पढ़ते थे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस कितनी फॉर्म्स में हो सकता है, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एचयूएल। बेटा आपको बता देता हूँ टोटल 7 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। आपने वहां 5 जरूर पढ़ी हैं क्योंकि लेवल ही वैसा था उस टाइम, तो शुरुआत ही कर रहे थे बिजनेस स्टडीज की, इस टाइम पर इतना पंगा कोई नहीं लेता आपके साथ। सर टोटल और है एक एसोसिएशन ऑफ तो मैं बता देता हूं आपको बेटा, इस मैटर में तो ये पार्टनरशिप जैसी होती है कि बेटा नंबर ऑफ मेंबर काफी सारे इकट्ठे कर सकते हो, जैसे पार्टनरशिप में कर सकते हो बेटा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसी टाइम पर स्टॉक एक्सचेंज होती थी, कैसे बेटा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स बने मिल गए,
एक एंटिटी बना दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक एंटिटी बना दी बेटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बस ये पार्टनरशिप की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है। पार्टनरशिप में बेटा नंबर ऑफ पर्सन बहुत सारे हो सकते हैं, वॉल्यूम इंडिविजुअल में हो सकते हैं, पर पार्टनरशिप में आप जितना कमाते हो बेटा शेयर करते हो, जितने लॉसेस कमाते हो शेयर करते हो। वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल में सबका काम धंधा अपना अपना होता है, अपना अपना कमाओ और खाओ। तो बेटा स्टॉक ब्रोकर बहुत सारे मिले, एक एंटिटी तो बना दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक एंटिटी तो बना दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कि हमारे अलावा इसमें कोई डील नहीं कर सकता, हम यहाँ इस एंटिटी के मालिक, ठीक है जी। लेकिन बेटा कमाई सबकी अपनी अपनी है, कमाई कोई नहीं बांटेगा, पार्टनरशिप में कमाई बढ़ती है बेटा, समझ में आया बेटा? तो कुछ सेंस में देखा रहे तो पार्टनरशिप के अलाइक है, पर बेटा कुछ सेंस में देखा रहे तो पार्टनरशिप जैसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ में आया बेटा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या चीज है, ठीक है जी बहू। तो चलो एसोसिएशन पर्सन की बात नहीं करोगे क्या करो बताओ बेटा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन ना बिल्कुल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली, बस एक एक डिफरेंस के साथ। नाम है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जितने जागते इंसान होंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बेटा बिल्कुल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जैसी होती है, एक डिफरेंस के साथ कि यहाँ जो मेंबर हो सकते हैं बेटा वो नेचुरल पर्सन नहीं भी हो तो भी चलेगा। यानी कि बेटा मैं कहूं 10 तो इंडिविजुअल है बेटा, एक कंपनी है, दो तीन पार्टनरशिप फॉर्म मेंबर है, तो बेटा ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन सकती है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में अगर 15 इंसान है तो सब जीते जागते इंसान होने चाहिए, यानी कि नेचुरल पर्सन होने चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन अलाउड नहीं होते, समझ नहीं बात? तो बेटा किसी टाइम पर स्टॉक एक्सचेंज एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल थी, तो उसी हिसाब से डिफाइन किया इसको, पर आज की तारीख में बता देता हूं बेटा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं है एक भी स्टॉक एक्सचेंज, ऑल द स्टॉक एक्सचेंज आर कंपनीज। तो बेटा इस डेफिनेशन में गलती कितनी है फिर हिसाब से सोचो। तो इसने कहा स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इनकॉर्पोरेटेड का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है रजिस्टर्ड। तो कहता है स्टॉक एक्सचेंज कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल थी, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। सर अगर मैं बात करूं स्टॉक एक्सचेंज सच मायने में बेटा आज की तारीख में कंपनी है, और कंपनियां हमेशा ही इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, तो बेटा दो गलतियां तो मैंने यही बता दी आपको इतनी सी लाइन में, ठीक है ना? मैंने आपको याद भी करो मैंने एक बात बताई थी आपको, किसी टाइम पर जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी होते थे और सारी स्टॉक एक्सचेंज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होती थी, तो मनमोहन सिंह जी ने एक पर्टिकुलर डेट दी थी पार्लियामेंट में, ठीक है ना? शायद वो डेट अगर मैं याद कर पा रहा हूँ 31 दिसंबर 1990s की कोई डेट थी, 31 दिसंबर 1990s की डेट थी, ठीक है ना? मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि अगर इस डेट तक जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में एक्सिस्ट करती हैं सब कंपनी में कन्वर्ट नहीं हुई तो हम इस पर ताला लगा देंगे। और इंडिया में हर कोई लॉ को मजाक समझता है, हर किसी डेडलाइन को मजाक समझा जाता है, तो मैं सोचा ऐसे ही बोल रहे होंगे। सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज थी BSE जो अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करा पाई थी उस डेट तक, बाकी किसी ने नहीं करा, और सच बात ऐसे ही हुई बेटा, मनमोहन सिंह जी ने सब पे ताला लगा दिया, काम धंधा बंद करा दिया सारी स्टॉक एक्सचेंज का, और बेटा वो अपनी जरूरत को भागी और 10 10 दिन में सबने कंपनी में कन्वर्ट करा दिया अपने आप। मतलब मेरे को ये एक इंसिडेंट भी याद आता है, ठीक है बेटा बात समझ में आई? तो बाबू कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मैंने दोनों में गलतियां बता दी कि सही बात क्या है, आज की तारीख में कंपनियां तो उसका इनकॉर्पोरेशन भी कंपलसरी है। लास्ट बात क्या है बेटा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए बनी है स्टॉक एक्सचेंज? कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ, बेटा तीन वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। बेटा तीन वर्ड है सर, ठीक है पुराने जमाने में वो तीनों वर्ड ठीक थे। आप ही बेटा असिस्ट करते थे, असिस्ट करना मतलब हेल्प करना, आप ही बेटा इस बिजनेस को रेगुलेट या कंट्रोल करते थे, ठीक है ना? कौन सा बिजनेस? बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटी। लेकिन बेटा जब सेबी बना तो बेटा आपकी ये दोनों भागा चली गई। आज की तारीख में आपका काम रेगुलेट और कंट्रोल करने का नहीं है इस बिजनेस को, आपका काम सिर्फ असिस्ट करने का है, आप सिर्फ हेल्प करते हो इस बिजनेस में। कौन सा बिजनेस? बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। बेटा यू कांट रेगुलेट, यू कांट कंट्रोल दैट बिजनेस, ये जिम्मेदारी बेटा सेबी की है।
आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो सर पुरानी सिचुएशन के हिसाब से अगर आज मैं डेफिनेशन सोच रहा हूं तो एक नहीं बेटा तीन तीन गलतियां हैं इसमें, बहुत भारी वर्क है। पर बेटा मजबूरी है ना, डेफिनेशन हटती है सालों साल तक गलत की गलत चलती आ रही है, मुझे भी गलत की गलत पढ़ानी पड़ रही है। क्लियर है बेटा बात? ऑल ओके, बढ़ जाए आगे। बेटा एक टॉपिक स्टार्ट होता है फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट, बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है। तो बेटा स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं सर, याद करो पहला दिन पहला पेज, मैं सारे फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज के कह कह के पढ़ा दिए थे आपको, ठीक है ना, याद होगा बेटा। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन थे, स्टॉक एक्सचेंज कह के पढ़ा दिए थे सारे, शेयर मार्केट कह के पढ़ाए थे सारे। सर आपको बता देता हूँ कुछ अलग नहीं होते शेयर मार्केट के भी फंक्शन, ठीक है ना, वहां से देखोगे तो बेटा काफी बातें सेम है, बस इक्का दुक्का बात अलग है वो भी कर देते हैं। पहली हेडिंग पढ़ना क्या लिखे हैं यहाँ, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। सर वहां पर भी यही हेडिंग थी, तीसरी प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। सर यहाँ बदल क्या गया, इसने कहा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, कि स्टॉक एक्सचेंज करती क्या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को, पुरानी सिक्योरिटी को मार्केट भी देती है और बेटा लिक्विडिटी भी देती है। मेरा ख्याल दोनों का मतलब सब समझते हैं। लिक्विडिटी का मतलब पता है ना क्या होता है, कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। सर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है कोई पुरानी सिक्योरिटी है, सर तुरंत लाओ कैश में कन्वर्ट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम ही है। स्टॉक एक्सचेंज आपकी पुरानी सिक्योरिटीज को मार्केट दे रही है, इतने सारे बायर दे रही है, लाओ तो सही। क्लियर है बेटा बात? कट कॉपी पे सेम बात है, बस बेटा फाइनेंशियल मार्केट में हर तरीके की सिक्योरिटी बिकती है, नई हो या पुरानी हो, मनी मार्केट की हो या कैपिटल मार्केट की हो, यहाँ सिर्फ पुरानी ही सिक्योरिटी बिकती है, बस बात का फर्क इतना सा है, ठीक है जी। सेकंड हेडिंग क्या लिखा है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। सर वहां पर नाम था फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, याद कर। और प्राइस डिस्कवर करने का वर्ल्ड वाइड एक ही तरीका है, डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर जाएंगे दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वहां प्राइस डिटरमाइन होता है। कट कॉपी पेस्ट बात सही, ठीक है बेटा। इधर फोर्थ हेडिंग पहले पढ़ना, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इधर देखना बेटा, कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटा क्या शेयर मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ करा रही है, करा रही है कैसे, प्रोग्रेस है थोड़ा सा बेटा। निफ्टी जब शुरू हुई, निफ्टी है क्या बेटा बाबू, चलो थोड़ा सा डिस्कशन इस पे भी कर देते हैं। सर इंडिया में दो बड़ी फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों के नाम आपके सामने, बीएससी एंड एनएससी, ठीक है ना बेटा। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है, उसको हम बोलते हैं बेटा सेंसेक्स, और बेटा एनएससी के इंडिकेटर को बोलते हैं निफ्टी। बेटा आपको बता देता हूँ, निफ्टी रिप्रेजेंट करती है टॉप 50 कंपनीज को, तो कुछ लोग इसको प्यार से ऐसे भी बोलते हैं निफ्टी 50, ठीक है ना जी। और बेटा सेंसेक्स ये रिप्रेजेंट करती है बेटा बॉम्बे स्टॉक में लिस्टेड 30 बड़ी कंपनी को, ठीक है ना। सर बहुत आराम से सुन रहे हो इस चीज को ना, देखो ऐसा नहीं है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 85 कंपनियां के सिक्योरिटी डील होती है, सर बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड है जो हजारों में है, कहीं कुछ हजार कंपनी रजिस्टर्ड है बेटा एनएससी में लिस्टेड है, लेकिन बेटा जो शुरू की 50 कंपनी है, जो टॉप 50 कंपनी है, ये निफ्टी उनको इंडिकेट करता है, इसको बोलते हैं निफ्टी 50। और सेंसेक्स बेटा जो बेटा बीएससी में लिस्टेड टॉप 30 कंपनियां उनको इंडिकेट करता है, इसको बोलते हैं सेंसेक्स। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ क्या चलता है बेटा, बाबू मान लो अभी 9:15 और बेटा निफ्टी ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब है बेटा निफ्टी आज 50 पॉइंट ऊपर है और ये बेटा श्योरली ग्रीन में होगा, ठीक है ना। और बेटा जब कभी ऐसे होता है तो ये रेड में होता है, और मान लो ऐसे है तो इसका मतलब है 70% गिरा हुआ है कल से। तो बेटा आज निफ्टी कल से 150 पॉइंट ऊपर है। अब आप निफ्टी में जो रजिस्टर्ड 50 कंपनियां ना, टॉप 50 कंपनियां, उनके शेयर उठाकर देख लेना, 50 में से बेटा मेजर ग्रीन में होंगे, क्योंकि निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है कि 150 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, और निफ्टी में ताकत कहां से आ रही है, उन्हीं 50 कंपनी से आ रही। तो बेटा आप देखोगे कि मेजॉरिटी कंपनीज ऊपर है, इक्का दुक्का नीचे भी हो सकती है नो डाउट, क्योंकि 50 कंपनी का अकेला इंडिकेटर है। तो ऐसा होगा बेटा कि 40 ऊपर होंगी, 10-12 बेटा नीचे भी होगी, पर बेटा मेजॉरिटी ऊपर ही होगी, क्योंकि बेटा निफ्टी अपनी वजह से ऊपर नहीं है, आप 50 कंपनियों की ताकत की वजह से ऊपर है। समझा मार्केट को देखते कैसे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको बता देता हूं बेटा, जब निफ्टी शुरू हुआ था
तो भाई 1000 पॉइंट पे शुरू हुआ था। इसको रुपए में कभी नहीं बोलते बेटा, ध्यान रखना है, कोई शेयर नहीं है, कहीं बोल दो निफ्टी 1000 रुपए है। निफ्टी 1000 पॉइंट पे शुरू हुआ था, आज सर 19,000 समथिंग है, 19,000 पॉइंट, सर 19 गुना हो गया। आपको क्या लगता है कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई? कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, 19 गुना चीज हो गई। सर निफ्टी अपने आप को 19 गुना नहीं होगा ना, कहीं शेयर 19 गुना हुए होंगे तभी तो ये 19 गुना हुआ है। सर आपको नहीं लगता लोगों ने बहुत कमाया होगा? 19 गुना हो गया भाई, सेंसेक्स भाई 60,000 क्रॉस हो गया, ठीक है ना, 60,000 क्रॉस, ठीक है ना। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं पढ़ाता था 20,000 होता था सेंसेक्स, 60,000 क्रॉस। और एक अंदाजा कहता है बेटा बाय 2028 यानी कि 2028 तक सेंसेक्स विल क्रॉस 1 लाख पॉइंट, 1 लाख क्रॉस करेगा, यानी कि बेटा यहां से जस्ट डबल हो जाने वाला है लगभग, ठीक है ना। और अभी 2023 है यार, एंड है, मतलब मोटा मोटा 2024 काम दरवाजा खटखटा रहे हैं सब। 4 साल में, 4 साल में कोई चीज 2 गनी हो जाए यार, ईमानदारी का तो कोई धंधा नहीं है मेरा ख्याल तो। 4 साल में 2 गुना करता हूँ आपके रकम को। सर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही? अभी आप कहोगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही तो फिर बात ही क्या है, और कैसे प्रूव करूं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही? ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? बात बढ़ जाएंगे आगे। अब वो 3 बातें क्लियर करी मैंने आपको, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट पढ़ना क्या लिखा है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। मेरा ख्याल सब समझ गए होंगे। सर आज की तारीख में स्टॉक मार्केट इज मच मच सेफर आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सर बहुत कुछ सेफ हो चुका है, ठीक है ना। जब तक सेबी नहीं था तब तक बेटा मार्केट इज वेरी रिस्की, कोई भी भाग रहा था, पर बेटा सेबी के एस्टेब्लिशमेंट का बहुत कुछ सेफ हो चुका है। सर आज की तारीख में क्या मेरी अमाउंट, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट लगभग सेफ है? सर मार्केट काफी सेफ है, कोई भागने वाला नहीं है, ठीक है ना। स्टॉक ब्रोकर से सिक्योरिटी अमाउंट ली जाती है, कंपनी को फंसाया जाता है, म्यूचुअल फंड को फंसाया जाता है, सर कोई कहीं नहीं जा रहा, रिलैक्स होकर इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। ऐसे में बेटा जब बैंकिंग पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स में हमेशा बोलता हूँ ना, कोई बैंक कहीं नहीं जाने वाला, टेंशन फ्री रहो। हमेशा बोलता था ना बेटा मनी एंड बैंकिंग में आपके सामने कि अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक लेमन ब्रदर इंसॉल्वेंट हो गया था 2006 में, पर बेटा अमेरिका इंडिया में देखो कैसे कैसे फ्रॉड नहीं खुले, क्या क्या नहीं हुआ बेटा। यस बैंक के साथ, पीएनबी बैंक के साथ, सबके साथ बहुत कुछ हुआ है, ठीक है ना। सर कोई भाग गया? नहीं भागा ना। सर अगर बैंकों को कुछ नहीं हो सकता ना, मार्केट को भी कुछ नहीं हो सकता। जितना खतरनाक रेगुलेटर बैठा है आरबीआई, उतना ही खतरनाक रेगुलेटर सेबी भी बैठा है बेटा। 100% सेफ है आपकी ट्रांजेक्शन, कहीं कुछ नहीं जा रहा। पर आज की तारीख में बेटा मैं आपको बता देता हूँ, कई बार ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसकी भी कंपनसेशन आपको मिलती है। मैं बेटा बोलता हूँ देखो, टेक्निकल एरर किसी भी ब्रोकर के एंड से हो सकती है। मान लो बेटा मैंने एक शेयर खरीदा, इंट्राडे है, इंट्राडे मतलब आज ही खरीदना आधे बेचना, शेयर मुझे नहीं मिलेगा, इससे हम बोलते हैं नहीं ये स्पेक्यूलेशन, या तो मिलेगा प्रॉफिट या मिलेगा लॉस, मतलब सकता है इसमें कभी भी आपको क्या शेयर की डिलीवरी नहीं मिलेगी। मैंने इंट्राडे में एक शेयर खरीदा, 100 रुपए का दाम था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी 105 से जाएगा, मैंने 1000 क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है, इस लालच में कि 5,000 कमाऊंगा, 104 पॉइंट समथिंग था, एकदम से मेरा सब कुछ जो डिटेल थी, लॉगिन क्रेडेंशियल थी, वो लॉग आउट हो गया, और मैं कंपनी का ऐप खंगाल ही जा रहा हूँ, खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, खोल नहीं रहा, पूरे नेटवर्क में हूँ, सब कुछ ट्राई कर लिया, और मैंने क्या देखा बेटा, अगर मैं गूगल पर सर्च कर रहा हूँ, हाँ दाम 105 भी आ गया, पर मेरा ऐप ही नहीं खुल रहा, मैं सौदा बेचू कैसे? पता है आपको ऐसी एरर हो जाती है, आज के जमाने में भी हो जाती है। तो सर अब क्या होगा? और बेटा जब वो ऐप खोला 1.5 घंटे बाद तो प्राइस फिर 100 हो गया, मुझे कुछ ना मिला या मुझे लॉस मिला। तो पर आप किसी भी इस बुलेके में मत रहना, आपको लॉस हो जाएगा। अगर ये ब्रोकर की गलती की वजह से हुआ, उसका प्लेटफॉर्म वर्क नहीं कर रहा था, एक सेबी का एक प्लेटफॉर्म है स्कोर, उस प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करो, सर पैसे देगा ब्रोकर आपको, टेंशन फ्री, इतनी सेफ्टी है आज की तारीख में। मतलब अगर ऐसी एरर भी हो जाती है, टेक्निकल एरर, तब भी पैसे मिलते हैं बेटा, इतनी सेफ्टी है ट्रांजेक्शन की। और तो मैं क्या ही एग्जांपल दूं आपको, क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है बेटा बात? चलो जी बढ़ाते हैं, मैंने पिछली बार ये बात नहीं बताई थी, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ ना कुछ तो हमेशा ही एक्स्ट्रा होता है, तो बताते चलते हैं आपको। वो सबसे लास्ट हेडिंग पढ़ना फंक्शंस में बेटा,
क्या है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। सर स्पेक्यूलेशन का मतलब सब समझते हैं, हिंदी मतलब है बेटा सट्टा। और बेटा हर वो चीज सट्टा होती है जो बेटा आपको कुछ ही दिनों में कुछ ही घंटों में बना दे और कुछ ही दिनों में कुछ ही घंटों में डुबा दे, हर वो चीज स्पेक्यूलेशन है। क्या बेटा शेयर मार्केट, अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से सोचूं जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, क्या शेयर मार्केट उस हिसाब से सट्टा है? सर बिल्कुल सट्टा है। क्या आपको कुछ दिनों में कुछ घंटों में बना सकती है? क्या आपको कुछ दिनों में कुछ घंटों में उजाड़ भी सकती है? कईयों को आपने उजड़ते हुए देखा है बेटा, कईयों को बनते हुए भी देखा होगा, ठीक है ना सर? बहुत लोग उजड़ते हुए देखे मैंने, बहुत लोग, और बहुत कम लोग मैंने बनते हुए भी देखे। तो सर शेयर मार्केट सट्टा है नो डाउट, बट इन अ लीगल एंड अ हेल्दी मैनर। सर आज की इस तारीख में ये सट्टा लीगल है। क्यों लीगल है बेटा? सरकार खुद लगवा रही है। और आपको बता देता हूं, सरकार सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लेती है। यहां सरकार टैक्स लेना शुरू कर दे आपकी ट्रांजैक्शन पर, वो ऑटोमेटिकली लीगल हो गया भाई। सरकार की आंखों के सामने हो रहा है सब कुछ, सरकार ही कराती है ये। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है ना, एक टैक्स लगता है शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन से बोलते हैं एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। आपकी हर ट्रांजेक्शन जो भी आप सिक्योरिटी मार्केट में डालते हो, ठीक है ना, ब्रोकरेज में कंपोनेंट उसका भी होता है जो ब्रोकर से रिकवर करती है और ब्रोकर आपसे लेता है, ठीक है जी? अगर आप कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा आपको। क्या बिल्कुल, मुझे पता था, मैं इसी चीज की वेट कर रहा था, बोलो तो ठीक है ना। हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा बेटा, 50 पे दिखाऊंगा आज, ठीक है? 350 होंगे तो पक्का दिखाऊंगा, ठीक है? है अगर आपको देखना है तो मैं पक्का दिखाऊंगा, पर 350 तक वेट करूंगा, ठीक है जी? सर मैंने ना आपको इससे इससे रिलेटेड एक बात भी बताई थी आपको, अगर याद हो, प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेक्यूलेशन से रिलेटेड। बेटा जितनी भी मार्केट्स, जितनी भी कंट्रीज का बेटा नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल है ना, ठीक है ना, वो सारी कंट्रीज ना बेटा फुटबॉल पे सट्टा लगवाती है। और उनकी खुद की देश की गवर्नमेंट, जितनी भी कंट्रीज का नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल है, पर आप देखो ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंट्रीज का नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल है, ठीक है ना, और वो वहां पर फुटबॉल पे सट्टा लीगल है। सरकार खुद लगवाती है, अपनी वेबसाइट पर लगवाती है और उनसे टैक्सेस लेती है, ठीक है ना। तो किसी टाइम पर बीसीसीआई ने भी सजेशन दिया था सरकार को, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि आप क्रिकेट पे सट्टा लीगल क्यों नहीं कर देते? देखो आप रोक पाते नहीं हो, ठीक है ना भाई, कहने को ये हमारा नेशनल स्पोर्ट हॉकी, सब जानते हैं, वो सब कहने को है, ठीक है ना, सब दिलों में दिमाग में नेशनल स्पोर्ट्स बेटा क्रिकेट ही है। तो बेटा बीसीसीआई ने सजेशन दिया था, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने, कि आप क्रिकेट पे सट्टा लीगल क्यों नहीं कर देते? लीगल कर दो बल्कि आपको टैक्सेस मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा था जी बिल्कुल हम विचार करेंगे। और बेटा ना भी अगर गवर्नमेंट ने कुछ करा हो तो आपको पता है आज की तारीख में सट्टा लग भी रहा है इंडिया में और सरकार को टैक्सेस भी मिल रहे हैं। जितनी भी ड्रीम इलेवन या जिसका भी नाम ले लो सर, यहाँ पर आप जितनी भी फैंटेसी के नाम पर टीम बनाते हो सर, ये सट्टा ही है। ये आप जुआ ही खेल रहे हो, ये कुछ और नहीं कर रहे हो आप, कहीं आप सोच रहे हो नहीं मैंने तो टीम बनाई भाई, कुछ नहीं भाई, सट्टा ही खेला तुमने। पर अगर कुछ कमाया तो पहले सरकार को टैक्सेस गए वहां से 30%, आपकी पैन कार्ड की डिटेल भी वहीं पर आती है, घबराओ नहीं, ठीक है ना बेटा। तो आज की तारीख में अगर मैं बोलूं कि क्रिकेट पर सट्टा लग रहा है, सर लग रहा है नो डाउट, इंडिया में खुद इतने सारे ऐप लगवा रहे हैं, बट इन अ लीगल मैनर, सरकार ही लगवा रही है, सरकार के पास सारी डिटेल आती है आपकी भाई पैन कार्ड से, ठीक है ना बेटा। अगर शेयर मार्केट सट्टा है तो बेटा ये जो आप खेल रहे हो फैंटेसी, ये जो ड्रीम इलेवन या एनपीएल या जितने भी ऐप हैं, ये सब बेटिंग ऐप्स ही हैं और कुछ नहीं है बेटा, ये क्लियर है? समझ में आती है बेटा बात? बाबू एक सेकंड लास्ट हेडिंग है यहाँ पर, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। बेटा कल्ट कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है ना बाबू, ये वर्ड कल्चर से बना है, ये वर्ड एक्चुअली में बेटा कल्चर था, ठीक है ना, बस ऐसे ही टशन मारने के लिए लिख दिया एनसीईआरटी ने स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, ठीक है ना जी। सर बहुत सारी जगह पर पुराने टाइम में इसकी एक्सप्लेनेशन होती थी कि ये वर्ड कल्ट है, कल्चर है, ठीक है ना, मैं लेकिन बताता हूँ टीचर आज के जमाने में करते क्या भाई, कभी इन्होंने उस वर्ड को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उन्हें एक्सप्लेनेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी, पता नहीं कौन कौन से डिक्शनरी में कल्ट वर्ड का मतलब देख के आते हैं, अलग अलग बात बोल के चल देते हैं क्लास में।
सर कल्ट कोई वर्ड नहीं होता, ये वर्ड कल्चर है, ठीक है ना। और इसका सिंपल सा मतलब है, कहता है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। सर जब से स्टॉक एक्सचेंज बना है सर, ऐसा नहीं है कि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर बिकते नहीं है, बिकते हैं। पर बेटा सच बात यह है कि मेनली जो कल्चर आया वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स का है। सर स्टॉक एक्सचेंज में जितना भी पैसा लगा हुआ है, बहुत ठीक ठाक सम लगा हुआ है उसका बेटा, 99% पैसा अकेला इक्विटी शेयर में लगा हुआ है। सिर्फ 1% पैसा प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में। तो बेटा जो मेनली कल्चर है वो सिर्फ इक्विटी का है। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है आपको बात? चलो जी मैं कोशिश करता हूँ आपको, चलो पहले वो दिखाता हूँ भाई एसटीडी क्या होता है। कुछ देखो भाई, लो जी वार्निंग तो आई गई, देखो कुछ भी देखते हैं। इंट्राडे कुछ भी 100 शेयर बाय करने हैं, आरबीएनएल के चार्जेस देखो। देखो भाई देखो, एसटीडी है कहीं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो जीरो इसलिए है भाई, अभी मेरे इस अकाउंट में पैसा नहीं है, मैंने आज इससे डील कर रहा ना, मैं डील करने वाला। दूसरी बात, ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंट्राडे मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, यही देखो मैं इन्वेस्टमेंट पे चला गया, अभी दिख जाएगा कोई ना अमाउंट। जैसे बेसिकली ना अभी बताता हूँ, ये देखो अब आ गया एसटीडी का अमाउंट, अब तो जीरो नहीं है। एसटीडी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर मैं कॉमोडिटी में डील करूँ तो कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये स्टैम्प ड्यूटी भाई चीज के बेसिकली, हम कॉन्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं ब्रोकर से हर ट्रांजेक्शन पे कि तू मेरे व्यापार में सोलर डाल, मैं दूंगा तुझे इसकी पेमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, उस टाइम पे होता है, तो उस चीज के पैसे लग रहे हैं। ठीक है सर, देख लिया खुश? चलो बहुत खुश। चलो जी बढ़ाते हैं बेटा बात को आगे, बाबू आगे बढ़ो, एक ही टॉपिक बचता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी मेरा टॉपिक, बाबू थर्ड लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन अभी आप सामने देखो भाई फटाफट से, मैं इसके बारे में सब कुछ डिटेल डिस्कशन करना चाहता हूँ, बोर्ड पे बाद में रीड करा दें। बेटा कहता है सेबी का दिखने में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। बेटा सेबी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सेबी के ना अलग अलग 5 डिपार्टमेंट हैं। सेबी इज डिवाइडेड इनटू 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। बेटा सेबी को ना डिवाइड किया गया 5 डिपार्टमेंट में। जैसे कोई भी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो सर, आप देखते हो वो भी कई बार डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है, अगर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आपको याद है। सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। सर हम भी तो डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सर, सेबी भी 5 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है। पर बेटा इन डिपार्टमेंट की डिटेल नहीं है मेरे कोर्स में, ये मेरे लिए सहूलियत है। कहता है बेटा मुझे भी नहीं पता ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जानने की जरूरत भी नहीं है, हमें क्या जरूरत है जानने की। हाँ ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसमें से कोई डिपार्टमेंट ऐसा जरूर होगा जो बेटा स्टॉक मार्केट की तरक्की के लिए काम करता होगा, जो रिसर्च जैसा वर्क संभालता होगा। एक डिपार्टमेंट पक्का ऐसा होगा जो कंप्लेन जैसा डिपार्टमेंट होगा, जो लोगों की इन्वेस्टर की कंप्लेन हैंडल करता होगा। अगर सोचो तो बेटा ऐसे डिपार्टमेंट ही होंगे, हम सोच सकते हैं कि कैसे कैसे डिपार्टमेंट होंगे, पर बेटा हमें जरूरत ही नहीं है जानने की। कहता है ये डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है। बेटा एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि 5 डिपार्टमेंट है, हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम करते हैं सभी में। ठीक है बेटा, इसके ब्रांच ऑफिस खोले गए दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में। अब आप वो देखो कहीं हेड ऑफिस का जिक्र नहीं है हमारे नोट्स में, पर बेटा आपको बता देता हूँ, गलती से भी अगर शेयर मार्केट में आपको किसी भी चीज का हेड ऑफिस ना पता हो तो आंखें बंद करके मुंबई लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं एनएससी में बेटा 2000 कंपनी के शेयर रजिस्टर्ड एंड लिस्टेड है, तो बेटा यकीन मानना 1500 से ज्यादा कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस अकेला मुंबई होगा, इतना तगड़ा गैस वर्क काम कर जाता है इसमें, ठीक है ना दी। बेटा सेबी का हेड ऑफिस मुंबई है और इसके ब्रांच ऑफिस खोले गए दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में। वजह है, वजह के साथ बताता हूँ।
ठीक है ना सर, मैं वजह के साथ जान के चीजें बताता हूँ ताकि दिमाग में खुद स्टोर हो जाए बेटा। अब पुराना जमाना सोचो, जब 1992 सेबी बना, अगर किसी इन्वेस्टर को कंप्लेन करनी हो तो आप तक पहुंचने का तरीका क्या था उनके पास? सर चिट्ठियां, सर सिर्फ चिट्ठियां, और कोई ऑप्शन नहीं था। और आपको ही पता कैसे डिलीवर होती है इंडिया में चिट्ठियां, ठीक है ना? पोस्टमैन के पास पहुंची, पोस्टमैन ने फाड़ कर फेंक दी, होगी डिलीवर, द बेस्ट वे टू डिलीवर, ऐसे होती थी डिलीवर। तो सर आप खुद सोचो, आप JNK में रहते हो, सेबी का रजिस्टर्ड ऑफिसर मुंबई, आपके साथ 200 रुपए का फ्रॉड हुआ है। सर उस टाइम में 200 रुपए ठीक ठाक सम एक वैल्यू रखते थे, मजाक की बात नहीं है ये। और आप कंप्लेन करना चाहते हो सेबी को, और आपने क्या किया बेटा, आपने बेटा एक चिट्ठी में लिखकर सेबी को सारी डिटेल भेज दी, और बेटा एक्शन नहीं हुआ। आपने फिर चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ, 2-3 बार ये कहानी रिपीट हुई। सर आप ये समझो कि आप कंप्लेन करने के लिए फिजिकली जाना चाहते हो, पर बेटा आपने जब मुंबई का किराया भाड़ा पता करवाया तो बेटा समझ में आया कि आने जाने का किराया भाड़ा ही 160 रुपए। आपने सोचा छोड़ भाई, अगर पता लगे एक दिन में काम ना हुआ, 2 दिन ठहरना पड़ गया वहां, तो हो गया मेरा तो काम, इतने का नुकसान नहीं हो जितने मैं और दे दूंगा, छोड़ मैं कंप्लेन नहीं करता। यही तो सोल्यूशन था आपके पास। तो बेटा सेबी ने ये देखा कि इन्वेस्टर उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे, सेबी ने कहा नहीं नहीं हम ब्रांच ऑफिस खोलते हैं। तो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को चुना गया, और उसकी एक स्पेसिफिक वजह थी बेटा, नॉर्थ इंडिया से आसपास, सबसे आसपास दिल्ली था। तो सेबी ने सोचा नॉर्थ इंडिया का कोई कंप्लेन करना चाहेगा तो वो दिल्ली आ सकता है बहुत आराम से। तो उन्होंने एक ब्रांच ऑफिस दिल्ली पकड़ लिया, मुंबई पहले से कवर था, ठीक है ना, साउथ में कंप्लेन करनी हो तो इसके लिए उन्होंने चेन्नई पकड़ लिया, और बेटा ईस्ट और वेस्ट को कवर करने के लिए मुंबई था ही, तो उन्होंने कोलकाता पकड़ लिया कि सब कुछ कवर हो जाएगा, चारों डायरेक्शन कवर हो जाएंगे। समझ में आया बेटा कैसे ब्रांच ऑफिस खोले, क्या लॉजिक था ब्रांच ऑफिस खोलने का? तो सर ऐसे ब्रांच ऑफिस खोले, ठीक है। उसके बाद बेटा सेबी के पास सर ये 5 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है, ऐसा हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है ना, 3 ब्रांच ऑफिस है, सब पता लगा। बाबू सेबी की 2 एडवाइजरी कमेटी भी है जो सेबी को एडवाइज करती है, एक का नाम है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, दूसरी का नाम है सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। बेटा दीस कमेटीज आर नॉन स्टेचुरी इन नेचर, नॉन स्टेचुरी मतलब बेटा लीगल नहीं है, यानी कि अगर आप सेबी एक्ट पढ़ते हो पूरा पूरा कानून पढ़ देना, सेबी एक्ट 1992, कहीं पर भी इन कमेटी का जिक्र नहीं है, यानी कि लॉ ने नहीं कहा था ये कमेटी बनाने को, सेबी ने खुद बनाई अपनी मर्जी से। तो बेटा क्योंकि ये कमेटी नॉन स्टेचुरी नेचर है, ये सेबी को एडवाइस तो दे सकती है, बट सेबी इज नॉट बाउंड बाय देयर एडवाइसेस। आप दो सेबी को एडवाइस, सेबी को जो अच्छा लगता है वो मान लेता है, जो एडवाइस अच्छी नहीं लगती वो नहीं मानता। अगर ये स्टैचुरी कमेटी होती, यानी कि एज पर लॉ बनी होती, तो बेटा फिर सेबी इज बाउंड बाय देयर एडवाइसेस, फिर तो सेबी को हर बात सुननी पड़ती, पर क्योंकि बेटा लॉ में इसका जिक्र नहीं है, लॉ ने कहा नहीं था बनाने को, सेबी ने अपनी मर्जी से बनाया, तो बेटा सेबी इनके एडवाइस से बाउंड नहीं होता कभी भी, जो सेबी को अच्छा लगता है वो कर लेता है, अगर अच्छी एडवाइस होता है मान लेता है, खराब एडवाइस देखते छोड़ देता है। बेटा इन कमेटीज में कौन कौन लोग मेंबर होते हैं? बेटा मार्केट के एमिनेंट पर्सन, पुराने स्टॉक ब्रोकर जो बेटा आज की तारीख में स्टॉक ब्रोकिंग छोड़ चुके हैं पर मार्केट की बहुत समझ रखते हैं, वो लोग, कुछ मार्केट के एमिनेंट पर्सन, कुछ मार्केट के तगड़े तगड़े इन्वेस्टर्स, ऐसे लोग बेटा पार्टिसिपेंट होते हैं जो मार्केट के बारे में इनको गाइड कर सके, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट के बारे में बता सके सभी को, ऐसे लोग इन कमेटी के मेंबर होते हैं। समझ आई बात बेटा? तीसरी लाइन से शुरू करके सब कुछ खत्म करना, इन मार्केट के, इन एडवाइजरी कमेटी के कुछ फंक्शन भी हैं 5, ठीक है, आराम से 5ों तक पढ़ दो, ठीक है ना, समझ आए कि नहीं आए, लेकिन आपने 5ों पढ़ने हैं, मैं 5ों के बारे में भी बताऊंगा, जल्दी जल्दी पढ़ो। पता सामने देखना बाबू, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के फंक्शन जब बहुत माड़ा वक्त होता है तो पेपर में ही आ जाते हैं, ठीक है ना, अब आपको पता करना है आपका वक्त कैसा चल रहा है, ठीक है जी बेटा। 5 फंक्शन दिए गए हैं, बहुत आराम से सुन लो समझ लो बेटा। पहले फंक्शन में लिखा गया है कि ये सेबी को एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट इन इंडिया।
ऐसा ही लिखा गया होगा फंक्शन, ठीक है ना सर? आप समझदार हो, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी या सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी में से कौन ये सजेस्ट कर सकता है कि प्राइमरी मार्केट की डेवलपमेंट के बारे में सोचो? सर कौन एडवाइस करेगा? ऑब्वियसली बात है, अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो ये बेटा प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी कहती होगी। और सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि डेवलपमेंट के बारे में सोचो सेकेंडरी मार्केट के, तो बेटा ये कौन कहता होगा? सब समझदार, ठीक है ना जी। थर्ड पॉइंट कहता है बेटा एक बात और, कहीं कहीं पर वर्ड ऐसा लिखा होगा टू एडवाइज द बोर्ड, ऐसा लिखा होगा टू एडवाइज द बोर्ड रिगार्डिंग दिस एंड दैट। सर जहां कहीं भी बोर्ड लिखा है ना, कुछ नहीं बेटा, ये सेबी के बारे में लिखा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जहां कहीं बोर्ड लिखा है वो सेबी के बारे में ही लिखा है बेटा। तो बाबू ये कमेटी एडवाइस करती है बोर्ड को, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ कि बोर्ड को एडवाइस कर रही है किस रिगार्डिंग, रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑन द स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर के ऊपर रेगुलेशन बढ़ाओ। सर ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये दोनों ही कहती होंगी, किसी भी तरीके से ब्रोकर ना भाग नहीं पाए इन्वेस्टर के वैसे देखकर। कहीं ना कहीं बेटा चौथी बात में यही लिखा हुआ है कि बेटा कंपनीज के ऊपर रिक्वायरमेंट और बढ़ाओ, यानी कि अगेन रेगुलेशन और बढ़ाओ। तो एक तरफ बेटा प्राइमरी मार्केट के डेवलपमेंट की बात, सेकेंडरी मार्केट के डेवलपमेंट की बात, एक तरफ ब्रोकर को बेटा कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की बात, कंपनीज को रेगुलेट करने की बात। और फिर पॉइंट में ये होगा बेटा कि लॉ को थोड़ा सा आसान सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट करो और अच्छा करो, ऐसे लॉ को मॉडिफाई करो कि वो आसान होता चला जाए। एक बात है बेटा, कानून जितना मुश्किल होता है ना उतना लोग इवेड करते हैं, ये इंडिया का नियम है। जितना मुश्किल कानून बनाओगे ना उतना ज्यादा इवेशन होगा उसका, ठीक है ना। इनकम टैक्स बहुत मुश्किल कानून हुआ करता था, जितना मुश्किल होता था उतनी ज्यादा चोरी होती थी। जब बेटा सरकार ने उसे आसान 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 करती गई, और बेटा लोग उतना ज्यादा टैक्स लेते चले गए। और कर लो मुश्किल, जितना मर्जी करोगे मुश्किल, इतना लोगों को लॉ समझ नहीं आएगा, वो इवेड ही तो करेंगे, इवेशन ही तो करेंगे। तो यही कह रहा है कि इस कानून को और आसान करो, ठीक है जी। चैप्टर खत्म हो गया बेटा। नहीं नहीं बेटा देख सुन मेरी बात, एडवाइस दोनों के लिए की जाती है। अगर ये लिखते हैं प्राइमरी मार्केट तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों की बात करेंगे। आज के लिए इतना रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।